पंजाब राज्य की मुस्लिम आबादी और मस्जिदों की संख्या साल 2024 में कितनी बड़ी है? दोस्तों, पंजाब भारत का सबसे खूबसूरत राज्य है, जहां पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1967 को हुई थी। पंजाब राज्य की सीमा पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में हरियाणा और राजस्थान से लगती है। आपको बता दें कि पंजाब को भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता था। पहले भारत में आने के लिए विदेशियों को पंजाब होकर भारत में प्रवेश करना पड़ता था, और अपने भारत देश में सिख धर्म की आबादी सबसे अधिक पंजाब राज्य में बसती है। दोस्तों, पंजाब राज्य का कुल क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर पंजाब भारत के 20वें स्थान पर आता है, और पंजाब नाम का अर्थ पांच नदियों की भूमि है, और यह नाम उन पांच नदियों के ऊपर रखा गया है जो इस क्षेत्र से होकर बहती है, जिसमें सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। दोस्तों, साल 2011 के जनगणना के अनुसार पंजाब की कुल जनसंख्या साल 2011 में 2,77,43,338 थी, लेकिन मौजूदा समय में साल 2024 में कुछ वेबसाइट के मुताबिक पंजाब की कुल जनसंख्या 3,17,20,403 है। जनसंख्या के आधार पर पंजाब भारत के 16वें स्थान पर आता है। दोस्तों, पंजाब की आधिकारिक भाषा पंजाबी है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य भाषाएँ भी बोली जाती है। आपको बता दें कि पंजाब की साक्षरता दर 76% इतनी है। इस राज्य में कुल 22 जिले आते हैं, और इस राज्य की GDP 3.30 इतनी है। और तो और, पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। यह शहर केंद्र शासित प्रदेश है, और पंजाब का सबसे बड़ा शहर अमृतसर है। यह शहर पंजाब का सबसे बड़ा लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। आपको बता दें कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर गेहूँ और चावल का भारत का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। स्वर्ण मंदिर पंजाब का सबसे लोकप्रिय तीर्थ क्षेत्र है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान बीच की वाघा बॉर्डर सीमा पंजाब में स्थित है। दोस्तों, पंजाबी लोगों को डांस करना और गाना गाना काफ़ी पसंद है, और तो भारत के सबसे ज़्यादा गायक पंजाब से ही आते हैं। इन गायकों में से सबसे ज़्यादा गायक इंटरनेशनल लेवल पर गाना गाते हैं, और बॉलीवुड के अधिकतर फिल्मों की शूटिंग पंजाब राज्य में ही होती है। अब दोस्तों बात करते हैं पंजाब राज्य की मुस्लिम आबादी और मस्जिदों की संख्या के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाले बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबाएगा, ताकि ऐसी जानकारी वाले वीडियो हम आपके पास सबसे पहले लाते रहे। और दोस्तों, भारत में कौन सा धर्म तेज़ी से बढ़ रहा है, उस धर्म का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ वेबसाइट के मुताबिक पंजाब की मौजूदा समय में कुल जनसंख्या 3,17,03,400 इतनी है, जिसमें सिख आबादी 1,80,95,603 है, जो पंजाब राज्य का 57.69% आता है। जबकि पंजाब में दूसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म आता है, जहां पर हिंदू धर्म की आबादी 1,22,05,603 है, जो पंजाब का 38.49% आता है। इसके अलावा पंजाब में तीसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम धर्म आता है, जहां पर इस्लाम धर्म की आबादी 6,25,803 है, जो पंजाब का 1.93% आता है। जबकि पंजाब में ईसाई आबादी 3,51,903 है, जो पंजाब का 1.26% आता है। जबकि अन्य धर्मों को मारने वाले लोगों की आबादी पंजाब में 2,01,203 है, जो पंजाब का 0.85% आता है। तो यहाँ पर दोस्तों, पंजाब में सिख और हिंदू धर्म के बाद मुस्लिम धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। अब दोस्तों बात करते हैं पंजाब के मस्जिदों की संख्या के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों, कुछ वेबसाइट के मुताबिक ली गई जानकारी के अनुसार पंजाब राज्य में मौजूदा समय में 700 से अधिक मस्जिद मौजूद है। लेकिन अगर पंजाब राज्य की मुस्लिम आबादी के हिसाब से मस्जिदों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर पंजाब राज्य में 6,25,000 मुस्लिम आबादी के लिए करीब 1,500 से अधिक मस्जिद हो सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, पंजाब राज्य में साल 2011 में मुस्लिम जनसंख्या 5,35,503 थी, लेकिन यह आंकड़ा बढ़कर साल 2024 में 6,25,800 इतना हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में पंजाब राज्य की मुस्लिम आबादी और मस्जिदों की संख्या के बारे में बताया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे जानकारी वाले वीडियो हम आपके पास सबसे पहले लाते रहे। और दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, उस मस्जिद का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में।